चलते हैं आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। टवेरा की चपेट में आने से 6 लोग घायल। भामाशाह ने जनहित के लिए एम्बुलेंस की भेंट। राष्ट्रीय बालिका दिवस के तहत हुई प्रतियोगिताएं। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा हुई विभिन्न प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। टवेरा की चपेट में आने से 6 लोग घायल। स्वरूपगंज से माधुरम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के फॉलेन हाईवे पर असंतुलित टवेरा कार की चपेट में आने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। असंतुलित टवेरा कार फॉलेन हाईवे के डिवाइजर पर चढ़ी, जहां बजरंग चौराहे पर बस में बैठने के लिए यात्री बस का इंतजार कर रहे थे। बस के डिवाइडर पर चढ़ने से विद्युत का पोल भी गिर गया और 3 लोगों को भी चपेट में ले लिया। वहीं टवेरा कार में बैठे 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने अनिल अग्रवाल, सावरमल अग्रवाल, जेठाराम मेघवाल आदि ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर रामलाल ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को आगे रेफर किया है। भामाशाह ने जनहित के लिए एम्बुलेंस की भेंट। अशोक माली की रिपोर्ट के अनुसार सिमगंज उपखंड के पोशालिया गाँव में भामाशाह देवाराम सैनी पूर्व नायब तहसीलदार के द्वारा गांव वासियों के लिए एम्बुलेंस भेंट की। एम्बुलेंस का उद्घाटन बुधवार को कर जनहित के लिए शुरू किया। इस अवसर पर पोसालिया गांव के प्रबुद्ध जन एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। यह सुविधा ग्रामीणों के लिए कम से कम दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं अन्य गांव के लिए एक्सीडेंटल केस व बीमारी के लिए 8 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। नए समाचारों के साथ तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।